और ये देखो इसका सुबह मॉर्निंग वाला डांस शुरू हो गया। बूम 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 मारो एक और पीछे ले 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 पीछे ले ये बिशुम वो गाड़ी स्टार्ट कर रही है। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग मिस्टर मिसेस थाड़ा जिसका नाम हम बहुत जल्दी चेंज कर देंगे क्योंकि हमारे घर में छोटा सा गुटलू आ गया है और आप देख रहे हो कि ये कितनी अच्छे से यानी उठ रही है। काफी देर से ये बहुत प्यारी प्यारी अंगड़ाइयां ले रही थी तो हमको लग रहा था कि राधे श्याम वाला जो भजन चल रहा है टीवी में उसको मतलब ये सुन के उठती है वैसे बहुत अच्छे से और कबीर कैफे के सॉन्ग भी सुन के ये बहुत अच्छे से डांस वांस करती है। मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी कल भी इसने किया था। और बस अभी मॉर्निंग हो गई है चाय वाय भी पी ली हम लोगों ने 11:15 अभी सुबह की और मौसम बहुत ही सर्दीला हो रहा है। मतलब अगर हम लोग अभी सिंगल होते तो बढ़िया घूमने निकल जाते कहीं भी गाड़ी लेके लेकिन अब हमारी बाबू आ गई है तो हम इसके साथ एंजॉय कर रहे हैं। इसके पापा सिगड़ी जला रहे हैं अभी बढ़िया सिगड़ी पे भी एक बार वापस चाय बनाएंगे बढ़िया फिर मालिश वाली आएगी मालिश करवाएंगे और उसके बाद राजीव अभी जा रहे हैं सब्जी लेने सब्जी लेके आएंगे हेल्दी हेल्दी सब्जी खाएंगे हम लोग तभी हेल्दी रहेंगे फिर एनर्जी आएगी तभी तो मस्ती कर पाएंगे। क्यों बाबू राजीव की एनर्जी थोड़ी लो है शायद लगता है रात को ठंड लग गई होगी। और ये हमारी गुड़िया ये देखो आप लोग सोच रहे होगे कि ना इसका टोपा उल्टा क्यों है मैं बता दूँ इसको ना रात को बहुत पसीना आता है बहुत ज़्यादा तो मैंने ना फिर कुछ नहीं मिल रहा था तो उसी को पलट के पिना दिया था और थोड़ा सा ऐसे इसको फूंक दिया। ओहो बाबू गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बाबू गुड मॉर्निंग। बस इसके पापा इसको परेशान करेंगे या तो इसको ठंडी ठंडी हवाओं से फूकेंगे ऐसे ठंड के मौसम में रात को कुर्र कान में पता नहीं क्या कर दिया उसको बेचारी बच्ची को 4 बजे एक्टिव कर दिया एक्टिव मोड में मतलब खेलने के लिए। अब मेरे को तो आ रही थी नींद बहुत भयंकर और ये परेशान करते हैं छेड़ के चले जाते हैं और फिर मेरे माथे आ जाता है सब कुछ। देखो बाप बेटी के कन्वर्सेशन विद आईज आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। ये देखो भाई ये देखो ये इनका डांस चालू क्या बूम ओहो ओ बूम ओ बूम ओ बूम ओ बूम। चलो बताते हैं अब आज आगे क्या होगा दिन में आज कैसे दिन की शुरुआत करेंगे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आ चुके हैं हमारी छत पर और काफी समय बाद ये छत पर आए हैं ये मुझे कभी बोले ही नहीं देते गाइस बोल ले बोल। हाँ मैं बोलूंगी ऑफ कोर्स मेरी बच्ची आई है ये तो ला भी नहीं रहते मैं छत पे लेके आई हूँ 5 दिन बाद धूप निकली है काफी स्काई जो है एकदम साफ हो चुका है और बिटिया काफी एंजॉय कर रही है काफी रोई भी आज उसको नहलाया भी काफी दिनों बाद। देखिए ले ले थोड़ा सा कैमरा यूं कर दो मैं आधी दिखूंगी मुझे लगा मेरा बच्चा पूरा आना चाहिए मेरे बच्चे के ऊपर उड़ते धूल आ रही है भैया हटा दी वो तो जग्गू जग्गू क्यों नहीं कर पिशो किक मारी यू उसके केक लगना नहीं होगी बंद। साथ में लेकर आए हैं हमारा कॉट जिसमें बच्चे को लेकर आए थे साथ में ये शॉल मैं कभी ओढ़ती नहीं हूँ सिर्फ दिखावे के लिए और ये मेरी बेबी का ब्यूटीफुल और सॉफ्ट सॉफ्ट सा ब्लैंकेट और ये नैपकिन आप बच्चे को लेकर कहीं भी जाए तो एटलीस्ट इतनी चीजें जरूर कैरी करें। धूप बहुत है प्यास भी लगी इसलिए हम लोग जा रहे हैं नीचे। अभी हमारी बिटिया बहुत आराम से सो रही है देखिए थोड़ी देर में उसके साथ क्या होता है। बना लिया बस हमारी बच्ची से ओ वाला एक्सप्रेशन देती है हमको हो सकती है चलो अब चेक किया जाएगा क्या 10 रुपए पर मैं मेरी बेटी को नहीं दिखाऊंगी वो बड़ी हो रही है टट्टी मतलब हम गलत साबित है मतलब ये वाला ओ अलग है आउट है ये पाउट है फोटो खिंचाना। फिर इसके बाद हमने ट्राई किए कुछ ओ वाले पिक्स जैसा कि आप देख सकते हो तो ये शाम का समय है और सिगड़ी जल चुकी है इसके बाद बन रहा है हरीला
और इसके ऊपर आप देख सकते हैं चटनी के लिए टमाटर भी रखे। हाय राम, ये क्या कर रहा है ये लड़का, मुझे पता ही नहीं था कि ये इस तरीके से रोज घर में कोयले जल रहे हैं। और ये मेरे को इसका सीक्रेट भी नहीं बता रहे थे, मैं यूट्यूब पे देख देख के इनको बता रही थी ऐसे कर लो ऐसे कर लो। तो ये देखो भाई, अब मेरा ड्रायर ये काम आ रहा है। ओ अपने हमारी प्रिंसेस को देखो भाई, पसीना आ रहा है। तब पार्ट टू ये है, हम लोगों ने ब्रेड निकाल ली है, आटा ब्रेड है, हम थोड़ा सा जो है नेचुरल चीजें खाने की कोशिश करते हैं। और ये हम सेवों पर जला दी मैंने, सॉरी तो ब्रेड जला भी दिए। और ये हरीला है या ब्रेड है और अंजीर है, तो पूरी गांव वाली लाइफ हमारी चल रही है। बेटी लेटी है, हम ऐसे खा रहे हैं इसको एकदम गाँव वाले तरीके से। तो ये हरीला बनाया हमने और यहाँ पर जो है भट्टी है, भट्टी के ऊपर ये गरम हो रहा है, तो इसके ऊपर ही हमने पूरा हरीला जो है तैयार किया है और बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। क्या रिस्पॉन्स है भैया आपका? तो धृति की मम्मी ने सिखाया था शायद मेरी मम्मी को। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर जाना। आगे और भी अच्छे अच्छे व्लॉग हम आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। मम्मी अपनी ये लाइट आ रही, उस पर ध्यान नहीं उसका।